नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी का पटाखा में। नागिन 6 में आ गया है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां पर प्रार्थना पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है महक। क्या महक प्रार्थना की जान ले लेगी? क्या कभी भी प्रीति को ये नहीं पता चल पाएगा कि वो प्रार्थना है? कब तक ये याददाश्त का खेल चलेगा और कैसे बचेगी महक के इस वार से प्रार्थना? चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर टीवी का पटाखा की इस रिपोर्ट में। लेकिन टेलीविजन की हर गॉसिप को जानने के लिए, टीवी इंडस्ट्री की हर खबर को जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें टीवी का पटाखा को। दोस्तों, नागिन 6 में महक अपनी गंदी चालों से अभी भी बाज नहीं आएगी और अभी भी उसको प्रार्थना की वो 9 मणियां चाहिए, जिनको पाकर, जिनको हासिल कर वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। लेकिन कहानी में तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा। प्रार्थना के पास बेशक शक्तियां नहीं होंगी, वो उस समय अपने आप को नागिन रूप में तब्दील नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको बता दें कि बचाने के लिए प्रार्थना को आएगी खुद उसकी माँ। जी हाँ, प्रथा आएगी अपनी बेटी को बचाने के लिए। प्रथा बेशक दुनिया से चली गई है, लेकिन नागिने कभी भी मरती नहीं है। और हम आपको बता दें, धरती का सीना चीर कर अपनी बेटी को बचाने के लिए, प्रार्थना को बचाने के लिए प्रथा आएगी। तभी तो प्रार्थना ने प्रथा की ही साड़ी को पहना हुआ है, अपनी माँ की साड़ी को पहना हुआ है, और महक को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी यहाँ पर प्रथा। जब मणियां निकालने की कोशिश कर रही होगी, प्रार्थना की जान लेने की कोशिश कर रही होगी महक, उसी समय प्रथा आ जाएगी और आकर महक के पैरों की पायल को उतार देगी। पायल उतरते ही महक की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो बूढ़ी हो जाएगी, जिसके बाद अपनी बेटी प्रार्थना को प्रथा सब कुछ याद दिला कर जाएगी, जिससे वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे आप? कितने एक्साइटेड हैं आप ये सब देखने के लिए? हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।